हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों के आकार की। इस क्रम में हमने पुष्प के जनरल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। आज हम देखते हैं पुष्प की संरचना में पुष्प दल विन्यास क्या होता है। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, पुष्प दल विन्यास है ना, मतलब पुष्प में जितने भी चक्र होते हैं, चार चक्र हमने पढ़ा, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, तो इनका जो लगने का क्रम है वह पुष्पासन पर किस प्रकार होता है, इसका पता हम कली अवस्था में जब पुष्प होता है तो उसको अगर हम आड़ा काटें तो हमको पता चलता है कि यहाँ पर जो पुष्प दल पुष्प के सॉरी यहाँ पर एक्चुअली पुष्प दल विन्यास से मतलब दलों का विन्यास किस प्रकार है, इसका पता जो है वो सेक्शन कटिंग के द्वारा लगाया जाता है। दल का विन्यास पता करने पर बाकी चारों चक्र का विन्यास का भी पता लगाया जा सकता है। ये भी हम देखेंगे कि किस प्रकार के एंड्रोशियम, गाइनोशियम और कैलिक्स और कोरोला का विन्यास होता है। यहाँ पर पुष्प दल विन्यास पुष्प कलिका में दल और बाह्य दल के आपसी संबंध जो होते हैं, आपस में किस प्रकार जो बाह्य जो संरचना होती है वह जुड़ी होती है, इसे ही पुष्प दल विन्यास कहा जाता है। तब ये जो इनका जो प्रकार है वह सबसे पहला है कोर स्पर्शी। कोर मतलब किनारा और स्पर्शी मतलब स्पर्श करने वाला। दो दलों का किनारा जब एक दूसरे को केवल टच करता है, जुड़ा हुआ नहीं रहता है, केवल टच करता है, स्पर्श करता है, तब इस प्रकार के विन्यास को कोर स्पर्शी विन्यास कहा जाता है। वॉल्वेट है ना, जैसे एग्जांपल के लिए मदार का पुष्प। दूसरा है व्यावर्तित यानी ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, दल का एक सिरा दूसरे दल से ढका हुआ है और दूसरा सिरा दूसरे दल के एक सिरे को ढका हुआ है। एक अंदर एक बाहर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, इस प्रकार ये जो है वो एक चक्र बनाते हैं जिसमें दल के दोनों किनारे में से एक किनारा दूसरे के दल को ढका रहता है और एक दूसरे के द्वारा ढका हुआ रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो विन्यास होता है उसे व्यावर्तित या ट्विस्टेड कहते हैं। एग्जाम्पल गुड़हल, भिंडी, कपास, इनके पुष्पों को आप देखना तोड़कर कि इनका जो दल है वो एक दूसरे को ढका रहता है। बाह्य दल का विन्यास भी इसी प्रकार होता है। थर्ड है कोर छादी यानी इम ब्रैकेटेड, ठीक है, इम ब्रिकेट। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं इस प्रकार के विन्यास में एक जो दल है उसका दोनों किनारा ढका हुआ है, दो दलों का एक किनारा ढका हुआ है, एक किनारा दूसरे को ढका हुआ है, खुला हुआ है, और दो एक जो है इसका एक किनारा ढका हुआ, तीन जो है ना, तीन का एक किनारा दूसरे को ढका हुआ और एक दूसरे के द्वारा ढका हुआ, और एक जो है पूरी तरह दोनों किनारों को ढका हुआ है। ठीक है, प्रत्येक सहायक अंग से एक पत्र की दोनों कोर अन्य दो पत्र से ढका होता है, फिर भी एक पत्र के दोनों कोर दो पत्रों के कोरों से ढके रहते हैं और अन्य पत्र व्यावर्तित विन्यास में रहते हैं। यानी हम कह सकते हैं एक जो दल है उसका दोनों कोर ढका हुआ होता है, एक जो दल है वो दोनों कोर इसका बाहर रहता है, बाकी जो होते हैं उसका एक अंदर एक बाहर रहता है। इस प्रकार का विन्यास कोर छादी या इम्ब्रिकेट विन्यास कहलाता है। इसका एग्जाम्पल अमलतास, गुलमोहर, हॉलीहॉक ये सब है। नेक्स्ट है पिन कॉन्सियल। जब दो पुष्प पत्र पूर्ण रूप से अन्य दो पत्रों के द्वारा ढके हुए होते हैं और एक पुष्प पत्र जो है वो व्यावर्तित विन्यास में होता है, ऐसे पुष्प दल विन्यास को क्विन कॉन्सियल कहते हैं, जैसे कि अमरूद में। और लास्ट वन है, यहाँ पर उसका डायग्राम नहीं दिया हुआ है, लास्ट वन है ध्वजक या वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में देख रहे हैं एक जो होता है दल उसका आकार काफी बड़ा होता है और ये जो है पत्रक ध्वजक कहलाता है, जब ये दोनों मतलब इसका दोनों जो किनारा है वो बाहर रहता है, बाकी दलों को ढका हुआ रहता है। दो दल इससे छोटे साइज के होते हैं जिसका एक किनारा ढका हुआ और एक किनारा बाहर रहता है। दो दल आपस में इसका किनारा एक सिरे से मिला हुआ रहता है ना, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दोनों अंदर है और एक जो बाहर है वो दोनों एक दूसरे से
मिला हुआ है और ये नौका के आकार का बना रहे हैं। तो इस प्रकार का जो विन्यास होता है उसे ध्वजक या वैक्सिलरी विन्यास कहते हैं। और इसमें जो बड़ा वाला दल है इसको ध्वजक, इसको दो जो दल हैं उनको कील या कैरेना और सॉरी विंग्स, और ये जो दो हैं उसको कील या कैरेना कहा जाता है। अब हम आते हैं पुमंग यानी एंड्रोसियन की संरचना पर। पुमंग जो है दल पुंज से ढका हुआ चक्र होता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्रतिनिधित्व करता है। पुंकेसर होता है, पुंकेसर से मिलकर बना होता है और प्रत्येक पुंकेसर जो है एक लंबे वृंत सदृश पुतंतु यानी फिलामेंट होता है इसमें एक लंबा, और इसका जो अग्र सिरा है इसमें पराग कोश या एंथर होता है जो कि अलग अलग शेप का, किसी में गोल, किसी में लंबाकार, किसी में किडनी शेप का होता है। पराग कोश और पुतंतु यानी फिलामेंट जहां पर मिलते हैं वह स्थान योज्जी कहलाता है। पराग कोश द्विपालिक होता है, जनरली मैक्सिमम पुष्पों का जो पराग कोश होता है वह उसका सेक्शन कटिंग अगर हम करके देखें तो ये दो कोश मिलकर बना होता है, किसी किसी में ये एक कोष्ठी भी होता है। और इन दो कोष्ठों में दो दो लघु बीजाणुधानियां यानी कुल चार लघु बीजाणुधानी होता है, और इन्हीं लघु बीजाणुधानी में मेल गैमिट्स यानी पराग कणों का निर्माण होता है। जिन पुंकेसर में पराग कण नहीं बनते हैं उनको स्टेमिनाइड कहते हैं, मतलब इसमें ये जो है वो स्टेराइड प्रकार का होता है, बंध प्रकार का होता है। जब पुंकेसर और दल पुंज है ना, कोरोला एंड्रोसियम और कोरोला आपस में जुड़े होते हैं तब ऐसे पुंकेसर को दल लग्न एपिपेटलस एंड्रोसियम कहा जाता है। जैसे बैगन में ये नीचे की तरफ से दल से जुड़ा हुआ होता है। जब पुंकेसर परिदल पुंज से जुड़ा होता है, जैसे कि हमने कल पढ़ा था रात की रानी और रजनीगंधा है ना, तो तब इसमें परिदल लग्न पुंकेसर कहलाता है, जैसे लिली वगैरह में। और फूल में पुंकेसर मुक्त हो सकता है, बहु पुंकेसरी हो सकता है या फिर जुड़े हुए हो सकता है, इसके जो कोष्ठ हैं वो आपस में जुड़े हो सकते हैं या फिर अलग अलग हो सकते हैं, या फिर ये एक गुच्छे में जुड़े हो सकते हैं, तब इसको मोनो एडल्फस कहा जाता है। जैसे गुड़हल में आप लोग देखे होंगे कि सारे पुंकेसरी फिलामेंट्स जो है वो आपस में जुड़कर पुंकेसरी नाल का संरचना बना देते हैं और पुंकेसर इसके लास्ट सिरे में स्वतंत्र रहते हैं, या फिर ये दो बंडल में हो सकते हैं जिसे डायल्फस कहा जाता है। जैसे मटर में नौ पुंकेसर एक साथ जुड़ जाते हैं और एक पुंकेसर अलग रहता है, तो इस प्रकार का जो होता है उसको द्विसंगी या डायडेल्फस कहा जाता है। जब दो से अधिक बंडल होते हैं तब इनको पॉलीडेल्फस कहा जाता है, जैसे नींबू में। और उसी फूल के तंतु की लंबाई में भिन्नता हो सकती है, मतलब अलग अलग पुंकेसर अलग अलग लंबाई के हो सकते हैं, जैसे सेल्विया और सरसों। नेक्स्ट संरचना हम पढ़ते हैं जायांग या गाइनोसियम के बारे में। तो जो गाइनोसियम है वह फूल के केंद्र में स्थित होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को लीड करता है, इसका प्रतिनिधित्व करता है। इसको जायांग या स्त्री केसर कहा जाता है। इसमें एक से अधिक अंडप यानी कार्पस से मिलकर बना हो सकता है, एक कार्पस भी हो सकता है, एक से अधिक कार्पस भी हो सकता है। तब इसके तीन भाग हमने पढ़े थे, नीचे का जो फूला हुआ भाग होता है वह अंडाशय या ओवरी, बीच की जो डंडी होती है उसे वर्तिका यानी स्टाइल, और जो अंतिम सिरा जो चपटा होता है थोड़ा सा परागण के लिए स्थान देता है, इसे वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं। तो अंडाशय अंडप का फूला हुआ आधारी भाग है ना। अंडप जो है इसका या तो मुक्त हो सकता है, फ्री हो सकता है या फ्यूज्ड हो सकता है। मुक्त अंडप वाले जायांग को वी युक्तांडपी और संगलित अंडप वाले माने जुड़े हुए अंडप वाले को युक्तांडपी कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम अलग अलग प्रकार के अंडप देख रहे हैं, ये मुक्त अंडप है, ये जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब ये इसमें एक ही है ना, तो इसको जो है वो मुक्तांडपी। और यहाँ पर देखिए अंडप जो है वो तीन अंडप का कोष जो है वो जुड़ा हुआ है, तो इसे युक्तांडपी प्रकार का कहते हैं।
मटर और टमाटर में युक्तांडपी जायांग होते हैं, टमाटर वगैरह में जो है वो जुड़े हुए रहते हैं ना, और मटर में भी जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं सारे जो अंडप है वो जुड़े हुए हैं, एक है कोष तो एक है लेकिन ये सारे अंडप एक ही में हैं, तो ये जुड़े हुए होते हैं। अंडाशय एक कोष्ठी या बहुकोष्ठी हो सकता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं एक कोष्ठी है, यहाँ पर जो है वो तीन कोष्ठ है। निषेचन के बाद बीजांड से बीज और अंडाशय से फल बनता है। पुष्पी अंगों की संख्या, उनकी अवस्था मुक्त अथवा संयुक्त तथा पुष्पासन पर उनके सजने के क्रम के आधार पर हम पौधे को वर्गीकृत करते हैं। जैसे इसमें पहला प्रकार है जायांगधर यानी हाइपोजीनस। जब अंडाशय सभी अन्य पुष्पी अंग के ऊपर स्थित होता है, पुष्पी अंग मतलब कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम जो है वो नीचे और अंडाशय जो है वो ऊपर होता है, तब ऐसे फूल को जायांगधर या हाइपोजीनस कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अंडाशय जो है वो ऊपर है और इसका जो पुंकेसर है, दल है, बाह्य दल है, ये पुष्पासन में इसके नीचे से लगा हुआ है, ये सबसे ऊपर है। इस प्रकार का जो विन्यास होता है इसे जायांगधर या हाइपोजीनस कहते हैं। जैसे सरसों, टमाटर, धतूरा, उसमें इसी प्रकार का पाया जाता है। परिजायांगी कुछ फूल में पुष्पासन अंडाशय के चारों ओर प्याले की तरह संरचना बना देता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये अंडाशय के चारों ओर प्याले के समान संरचना बना देता है और उस पर फिर उस प्याले पर बाह्य दल, दल पुंज और पुंकेसर लगे होते हैं। इस प्याले के सिरे पर बाह्य दल, दल पुंज और पुंकेसर लगे हुए हैं। तो इस प्रकार की जो का जो स्ट्रक्चर होता है उसे परिजायांगी पेरिगाइनस कहते हैं। एग्जाम्पल इसका है गुलाब। जायांगो परिज, जब पुष्पासन न केवल प्याले के आकार का होता है बल्कि अंडाशय से जुड़कर अंडाशय के ऊपर तक आ जाता है। यहाँ पर पूरा नहीं दिया है, ये यहाँ दिया हुआ देखिए, ये प्याले के आकार का बना, यहाँ पर ये अंडाशय जो है वो प्याले का आकार, अंडाशय नीचे आ गया है, पुष्पासन प्याले के आकार का बनाकर इसको पूरा ढक लिया है और बाकी जो अंग है बाह्य दल, दल पुंज, पुंकेसर जो है वो अंडाशय के ऊपर है, तब इस प्रकार का जो विन्यास होता है इसे जायांगोपरिक यानी एपिगाइनस कहते हैं। एग्जाम्पल है कद्दू, सेब इत्यादि। बीजान्यास प्लेजेंटेशन क्या होता है? अंडाशय में बीजों के लगने का क्रम या बीजांड के लगने का क्रम ही बीजान्यास कहलाता है। तब ये निम्न प्रकार के होते हैं, सीमांत, सीमा, मार्जिनल, जिस स्थान पर अंडक के दोनों किनारे मिलते हैं उसी स्थान पर बीजांडासन बनता है, अर्थात एक अंडप ही अंडाशय में होता है, जैसे मटर, सेम इत्यादि में। यहाँ पर हम देख रहे हैं किनारे पर जहाँ पर ये मिलते हैं, दोनों किनारे मिलते हैं वहां ही बीज लगा होता है। मटर, सेम वगैरह में देखे होंगे ये एक अंडप ही है ना। तो इस प्रकार का जो होता है मार्जिनल या सीमांत बीजान्यास कहलाता है और ये एक एक अंडपी होता है, जैसे यहाँ पे चना वगैरह है। इसमें स्तंभी या एक्सल, जब बीजांडासन अक्षी होता है, अक्ष में लगा होता है और बीजांड बहुकोष्ठी अंडाशय पर लगे होते हैं, ऐसे बीजांडासन को स्तंभी कहते हैं। जैसे गुड़हल, टमाटर, नींबू वगैरह, यहाँ पर देख रहे हैं बीज जो है वो अक्ष में बीचों बीच लगा हुआ है और इसमें कई कोष्ठ हैं, सभी के बीच यहाँ पर एक फुली हुई संरचना में लगे होते हैं। टमाटर वगैरह में आप लोगों देखे होंगे, लोगों ने देखा होगा टमाटर, नींबू, गुड़हल, ये सभी इसी प्रकार का लगा होता है। भित्ति पेराइटल, जब बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर अथवा परिधि भाग में लगे होते हैं और अंडाशय एक कोष्ठ की होता है लेकिन आभासी पट बनने के कारण दो कोष्ठक में विभक्त हो जाता है, जैसे सरसों, भरमड़ा आदि। यहाँ पर हम देख रहे हैं बीज जो है वो भित्ति से लगा हुआ है और बाद में जब ये परिपक्व होने लगता है तो यहाँ पर एक झिल्ली नुमा संरचना बन जाती है। अगर दो कोष्ठ है तो बीच में दो और तीन कोष्ठ है तो इस प्रकार तीन कोष्ठ में इसको बांट देता है। इस जो झूठा पट बना है उसको कहते हैं सेप्टम या रेप्लम, ठीक है, झूठी भित्ति। थर्ड वन इज द फोर्थ वन इज द मुक्त स्तंभी, फ्री सेंट्रल। इस अवस्था में बीजांडासन केंद्रीय अक्ष के चारों ओर विकसित होता है और उस पर बीजांड होते हैं, ऐसा अंडाशय एक कोष्ठ की होता है।
जैसे डायंथस, प्रीमरोज आदि। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एक कोष्ठी है और बीजांड जो है वो बीच में लगा हुआ, फूले हुए भाग में लगा हुआ है प्रीमरोज। आधारी या बेसल, इसमें जो बीजांडासन है अंडाशय के आधार पर होता है, इसमें केवल एक ही बीजांड होता है, जैसे सूर्यमुखी वगैरह है, गेंदा वगैरह है, इसमें केवल एक ही होता है और इसी में बीज लगा हुआ होता है। परिभित्ति, इसमें अंडाशय बहुकोष्ठकीय होता है और कोष्ठकों की भीतरी सतह पर बीजांडासन उत्पन्न होते हैं, इन पर बीजांड लगे होते हैं जैसे कुमुदनी वगैरह में। यहाँ पर इसका डायग्राम नहीं दिया हुआ है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे।